अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मालेगांव में हैं और हमारे मालेगांव के दोस्त उबैद भाई, इंजीनियर उबैद भाई बोल सकते हैं उनको, और माशाल्लाह दूसरे इंजीनियर हमारे साथ मौजूद है बशारत खान साहब। तो हम लोग मालेगांव आए हैं, शादी के अंदर आए थे हम हमारे दोस्त के फैजान की। तो इस वक्त हम जो है माशाल्लाह उबैद भाई के ऑफिस में बैठे, ऑफिस तो बड़ी प्यारी है इनकी। तो मैं सबसे पहले खान साहब से पूछूंगा क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है मालेगांव में खान साहब आए हैं, तो खान साहब को कैसा लगा मालेगांव के अंदर, सबसे अच्छा क्या लगा? क्योंकि खान साहब ने अब तक बहुत सारी चीज़ें देखी है, मालेगांव की जो मरकज़ है और यहाँ का जो कब्रस्तान है बहुत बड़ा और मार्केट जो है माशाल्लाह और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर खान साहब ने देखे हैं। तो खान साहब आपका इजहार ख्याल क्या है मालेगांव के बारे में? मालेगांव शहर में की खास बात मुझे ये देखने में मिली कि उर्दू ज़बान को जिस तरह से उन्होंने मजबूती से पकड़ रखा है वो बहुत बड़ी बात है। बाकी तो सारी चीज़ें तो होती रहती चलती रहती, लेकिन यहाँ के जितने भी दुकानों के बोर्ड थे सब जो है तो उर्दू के अंदर लिखे हुए थे। और दूसरी चीज़ ये है कि मालेगांव शहर पकवान के लिए, खानों के लिए बहुत मशहूर है, वो भी अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है खानों की, लोग भी अच्छे हैं, मुस्लिम पॉपुलेशन है बहुत सारी, और बाकी तो सब ठीक है। वैसा तो कमियाँ तो सब में रहती है, कमियाँ गिनाना ज़रूरी नहीं है, बस खूबियाँ ही बताते चलो। सही। और यहाँ की मेहमान नवाजी सबसे बेस्ट लगती है मुझको माशाल्लाह, खासकर हमारे उबैद भाई जैसे लोगों की।